हाय गाइस, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। तो दोस्तों कैसे हो? मैं आज आपके लिए लाया हूँ मेरे होम ब्रीड के बच्चे जर्मन शेफर्ड। जी हाँ, मेरे साथ में है मेल पपी जर्मन शेफर्ड का, फीमेल पपी भी है, वो सब मैं दिखा देता हूँ। अगर आप में से किसी भाई को लेना चाहते हो जर्मन शेफर्ड का पपी, अपने घर में लाना चाहते हो, तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे वीडियो में आपको दिख रहा है, ठीक है? तो मैं अभी सारी डिटेल आपको पपीज़ की बताता हूँ। 35 डेज के बच्चे हो गए हैं, 35 दिन के बच्चे हो गए हैं, क्वालिटी बिल्कुल आपके सामने है जो है, ठीक है? मेल और फीमेल दो बच्चे अवेलेबल है, एक बच्चा बुक हो गया है, बुक नहीं हुआ, उसको मैंने प्री अडॉप्शन में जो दिया हूँ, ठीक है? तो मैं आपको दिखाता हूँ क्वालिटी बच्चे की। ये मेल पपी है, देख सकते हो, मेल है, 35 डेज एज है, कोट बहुत बढ़िया है बच्चे का, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो आप कोट। तीन ही बच्चे हुए पूरे लीटर में, तो एक मैंने प्री अडॉप्शन में डाल दिया था, वो अडॉप्ट हो चुका है, तो दूसरा मेल है। फीमेल भी मैं दिखाता हूँ, कोट देख सकते हो आप, बढ़िया कोट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चा लॉन्ग कोट का निकलेगा, ठीक है? लॉन्ग कोट में जाएगा ये बच्चा, क्वालिटी बेहतरीन है जो भी है स्क्रीन के ऊपर। ये फीमेल है, फीमेल भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त फीमेल है, बहुत ही एक्टिव है बच्चा, देख सकते हो आप। इसका भी कोट अच्छा है, ये मेल है, पैंतीस दिन के बच्चे हैं, क्वालिटी देखो आपके सामने है, नजर आ रही है, ठीक है? 35 दिन के, थोड़ा सा फर्क है मेल में और फीमेल में, मेल थोड़ा हैवी है, फीमेल थोड़ी कम है, ज्यादा नहीं। फीमेल भी बेस्ट है, आपको अगर होम ब्रीडिंग के हिसाब से लेना चाहते हो, ब्रीडिंग करवाना चाहते हो जर्मन शेफर्ड के अपने घर में स्टार्ट, तो आप फीमेल ले सकते हो, ठीक है? जिसको मेल लेना है, जिसकी पसंद है मेल लेना चाहता है, वो मेल भी ले सकता है, क्वालिटी आपके सामने है दोनों बच्चों की, ठीक है? देख सकते हो, ये मेरे होम ब्रीड के बच्चे हैं, ठीक है? मेरे घर के बच्चे हैं, कोई इसमें ये नहीं है कि भाई मैं इधर से लाया हूँ या उधर से लाया हूँ, मेरे होम ब्रीड के बच्चे हैं। आप घर पे आ सकते हो, प्रॉपर मदर फादर देख सकते हो, उसके बाद बच्चा ले सकते हो, ठीक है? तो दोनों बच्चे आपके सामने हैं गाइस, देख सकते हो। दूसरा बच्चा भी दिखाता हूँ, प्री अडॉप्शन वाला, अभी वो गया नहीं है। ये तीसरा बच्चा है, ठीक है? तो देख सकते हो बच्चों में कितना फर्क है, एक ही लीटर के बच्चे, तो ये होता है पपीज में फर्क। ये बिल्कुल शॉर्ट कोट में जाएगी फीमेल, ठीक है? और ये बच्चे जो है दोनों, कोट भी बेहतरीन है और क्वालिटी भी बेहतरीन है, ये भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ये खराब है, बहुत अच्छी फीमेल है, बहुत एक्टिव है, ये भी बहुत अच्छी निकलेगी। बट फर्क पड़ता है बच्चों में, क्वालिटी में, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, 19-20 का अंतर होता है बच्चों में। तो गाइज ये थे सारे पपीज, अगर आप में से कोई भाई लेना चाहता है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हो। अभी इन्होंने इन पपीज की प्राइस मैंने क्या रखी है क्या नहीं रखी है आपको मैं कॉल पे बता दूंगा, वीडियोस में नहीं बताता हूँ मैं कोई भी बच्चों की प्राइस, ठीक है? तो आप में से कोई भाई लेना चाहता है तो कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जो भी भाई मेरे वीडियोज़ को फर्स्ट टाइम देख रहा है, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए गाइस, फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल शिव गणेश डॉग हाउस,
जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।